का कहेंगे पलटू चाचा को, पलटू चाचा तो जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद है। कहाँ सब बंद है, बिना बंद के सब चारों ओर बिका रहा है। कौन कहता है बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद है, लेकिन ये शराब जो मिल रहा है इसका दोषी कौन है, प्रशासन या सरकार? ये कि अपने परिवार को बेचारा छोड़ दिया, आज इनको खिलाने पिलाने वाला कौन होगा? आज दो बच्चा है उसको कौन देखने वाला है बताइए? हालांकि ऐसा नहीं है कि कमाने वाला भी लड़का है, आप लोग का देखे होंगे, देखिए यही बच्चा है। अब बताइए कमाने वाला है, अपने परिवार को चलाएगा, माँ को खिलाएगा? में लगातार जहरीली शराब से मौत होते जा रहा है, इस पे क्या लगते थे आपके जो डेट हुआ? देवर लगनी। अच्छा, देवर लगनी, क्या कहे हम अपना उनका, मतलब सरकार से क्या मांग करते? सरकार से कुछ मिलेगा चाहिए, लड़का सन के पढ़ावे लिखावे के घर दुआर नहीं है। अच्छा ये बताएं कि सरकार जो बा बिहार में दारू बंद कैले बा, आखिर में मिलो तो कहाँ कहाँ से उनके दारू मिल गई? सब चुरा नुका के रख के बेचे तन बलुआ पर। ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में पूरे पूर्ण रूप से, ये उनके पत्नी है वीरेंद्र शाह की, जो उनकी मौत हो गया है, और इनके ये गूंगा है, और पता ना ये बात हमको समझ वो सुन पा रही है नहीं, नहीं है दूसरे के घर से पानी उन्हें लिया कर पंडितपुर में मौजूद है। यहाँ पे कैसी घटना हुआ है, हालांकि पूर्वी चंपारण में लगातार शराब पीकर लोगों की मौत हो जा रहा है, वही हमारे साथ में उनके जो बेटे हमारे साथ मौजूद है, और कल के ही डेट में इनके पिताजी की मौत हो जाता है, आखिर में क्या शराब पीने की वजह से हुआ है, क्या हुआ है, हम सीधे बात करते हैं। अच्छा बताइए बाबू की आपके पिताजी का कैसे मौत हो गया था? जहरीली शराब पीने से। अच्छा जहरीली शराब कहाँ मिला उनको पी लिए? अब वही जानते हैं, बलुआ मरते समय बलुआ बताया था। अच्छा कहाँ पे उनका डेट हुआ था? बेतिया में डेट हुआ था। अच्छा, बेतिया में? हाँ, तो मैंने कैसे हुआ कुछ बताइएगा आप लोग। वो लोग सहमत में गया, लो तो शराब वराब छोड़ दिया था, ठीक है। हाँ। उस सहमत में गया शराब पीने के लिए, तो पी के आया आईसीयू में, घर में सो गया, ठीक है। हाँ। दो दिन के बाद बेचैनी उचैनी हुआ तो हम लोग जाने, ठीक है। अच्छा, दो दिन के बाद? हाँ, उसके बाद हम लेके गए बेतिया, बेतिया दावा वावा चलाए, उसके बाद डेट को गए 4 बजे भोर। अच्छा, कितना दिन के बाद उनका डेट हो गया था? लगभग एक डेढ़ एक दो दिन में, मैंने एक दो दिन के बाद में। हाँ। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार में शराब बंद है, लेकिन पता ना कहाँ से ये शराब आता है, वो भी जहरीली शराब। देख लीजिए कौन सा घर है, यही ना घर है, यही घर है। देख लीजिए घर की स्थिति देख लीजिए, और इन्हीं का पिताजी थे। और कितने भाई हैं आप? दो भाई हैं। पापा जी क्या करते थे? हलवाई करते। अब बताइए, आप बता दीजिए, इनके पिताजी हलवाई करते हैं, करते थे, और दो भाई हैं और बहन कितना है? एक भी नहीं, एक भी बहन नहीं, माँ भी गूंगा है। आप बताइए, माँ भी गूंगा है, माँ भी नहीं कुछ कर सकती, ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। सुन सकती है, हाँ, गूंगा है, गूंगा है। अच्छा बताइए कि अब इनका परिवारिश कैसे होगा? कैसे होगा बताइए, बताओ कौन? आप क्या करते हैं? हमारा परिवार के आधारे नहीं है, जो को चल के चलाएगा। हाँ, क्या काम चाची रोड़ा? मेरा बेटी था। अच्छा, आपकी बेटी थी? हाँ, गूंगा। अच्छा, गूंगा। हाँ। नहीं कंठ से बोलती है। हाँ। नहीं कान से सुनती है। हाँ। अच्छा, उसको आधार मालिके रहलन वीरेंद्र प्रसाद। हाँ। तो चल गेलन, गुजर गेलन। दू गो लड़का बा। हाँ। एगो 13 बरस के 12 बरस के बा। हाँ। नाइन्थ में पढ़ा तरन। हाँ। इनका के ममहरे से पढ़ावल जाला है, तही कौनो इनका साधने नहीं के। हाँ। अनु ए लोग पर बस्ती ला। हाँ। हम चाहता नहीं आगे ऊपर से कुछ सहारा। हाँ। अच्छा है, माई छोड़िए, देखिए बताया जा रहा है कि घर यही है इनका, और ये इनका दो बच्चा है जो कि एक नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और इनसे एक छोटा है। अब बताइए, इनके माँ भी गूंगा है, नहीं कुछ कर सकती है, ना बोल सकती है। अब बताइए ये लड़का का परवरिश कैसे होगा? हमारे बिहार में बताते हैं नीतीश कुमार जी की शराब बंद है, शराब बंद है, लेकिन बताइए कि शराब मिल कहाँ से रहा है, इतना जहरीली शराब जो कि लोग पी पी के उनकी मौत हो जाता है। हमारे साथ में चाचा जी हैं, और क्या कहिएगा, का कहेंगे पलटू चाचा को, पलटू चाचा तो बेचवाते हैं। अगर इस शराब नहीं पीते तो नहीं मरते। मिठाई उठाई बनाते थे जाकर, शराब वराब पी लेता है, इधर उधर पी कर। बताइए गूंगा उसका बीबी है, वो कहाँ से खाएगी, क्या करेगी, बनियारी करने का भी उसके पास अति नहीं है। अरे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद है। कहाँ सब बंद है, बिना बंद के सब चारों ओर बिका रहा है। हाँ। कौन कहता है ये बंद है, चारों ओर तो शराब बिकवे करता है। हाँ, चारों ओर मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि इसको घटना कैसे कैसे हुआ था, इसके कुछ बताइएगा इसके बारे में। घटना में तो सोने है जाइए, शराब पिए थे, इसको हम लोग लेकर गए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में दवा हुआ चला, वहाँ भी से प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट में भी वहाँ मृत्यु हो गया। तो फिर कितना पैसा लगा था उनका, मैंने ये इलाज कराने में? अब इलाज कराने में उसका जो भाई थे ना, वही लगाए हैं, जो पैसा प्राइवेट में लगा है, सरकारी में पैसा नहीं लगा है, नहीं लगा है। हाँ, प्राइवेट में पैसा लगा है। कितना पैसा लगा रहे चाची? पैसा तो हम नहीं जानते हैं, जो हमारा बेटा
पैसा कितना लगाया, पैसा मैंने लगा है। अच्छा रूरा देखो तनी सरकार से का विनती करम कि इनका परिवारिस ला जो बच्चा बाकी, हालांकि रोरा स्थिति आप लोग भी देख सकते हैं कि इनका दो बच्चा है। और बताइए जो पिताजी थे वो हलवाई के काम करते थे और कमाते थे तो इनका परिवार मैंने परिवार चलता था, नहीं कमाते तो परिवार नहीं चलता। हालांकि स्थिति थोड़ा एक बार कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिएगा यही घर पर, घर भी देख लीजिएगा, घर इतना दिन से अभी घर भी नहीं बना है सही ढंग से, घर भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए चाचा जी बता रहे हैं कॉल भी नहीं है, और बताइए यहाँ पे कॉल भी नहीं है, अब कैसे इनका परवरिश होगा, कैसे क्या होगा? हाँ बताइए चाचा जी। कॉल नहीं है, दूसरे के घर से पानी उन्हें ले कर ही लो पीता है लो। हाँ कोई व्यवस्था ना, लेटरिन का व्यवस्था है ना कुछ नहीं, रहने का घर है, तिरपाल तान कर देखिए तो तिरपाल तान कर सब काम कर रहा है लोग। दिखा दीजिए यही घर है, यही घर है, यही चूल्हा पर खाना वाना बनता है, वहाँ चूल्हा देखिए तो है चूल्हा, गैस सिलेंडर भी नहीं है उसके पास। अब आइए कैमरामैन आपसे हम कहेंगे कि इधर आइएगा, अब हम इनका घर का दिखा देते हैं स्थिति। ये देखिए ये तिरपाल टांग के इसी में ये लोग गुजारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चूल्हा है बाहर में, जो उनका चूल्हा है, घर का स्थिति ऐसा देखिए, हलवाई के काम करते हैं गरीब व्यक्तियों के आखिर में ऐसा क्यों घर होता है? देखिए ये भी फूस का घर है, हालांकि इतना स्थिति भी उनका अच्छा नहीं है। और उनकी जो माँ है, माँ से हम क्या बात करेंगे? अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे चाची हैं, ये भी हैं। अब क्या लगते थे आपके जो डेट हम देवर लगेनी? अच्छा देवर लगेनी, क्या कहे हम अपना उनका मतलब सरकार से क्या मांग करते? सरकार से कुछ मिलेगा चाहिए लड़का सन के पढ़ावे लिखावे के घर दुआर नहीं के खाना। अच्छा ये बताएं कि सरकार जो बा बिहार में दारू बंद कैले बा, आखिर में मिलो तो कहाँ कहाँ से वहाँ के दारू मिल गई? सब चुरा नुका के रख के बेचे था बलुआ पर, बलुआ में पीनी वहाँ का दारू। अच्छा बलुआ में जाके वहाँ का शराब पी ले? हाँ वहाँ पीनी, अब नाम तो वहाँ पुलिस तो नाम लिखनी, बलुआ में पीनी वहाँ का दारू। अच्छा बलुआ में जाके वहाँ का शराब पी ले? हाँ वहाँ पीनी, अब नाम तो वहाँ पुलिस तो नाम लिखनी। अच्छा पुलिस प्रशासन आये लख का कहत रख का कहलख मतलब? अच्छा नेता मंत्री आये रख? हाँ उ सब का कहलख लोग? गार्जियन रख लोग, हम तो ना रही है। अच्छा चलिए अब यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं और यहाँ के ग्रामीण लोग हैं और इन लोग का क्या कहना है? हालांकि कहीं ना कहीं अब मान के चले कि एक हलवाई थे उनका तो मतलब डेट हो गया, अब इनके परिवार के लिए उनके जो बच्चे के लिए इन लोग क्या कहना चाहते हैं? भैया आप क्या कहिएगा इनके परिवार के लिए? परिवार तो गांव समाज के बहुत ही मैंने बहुत पुअर मैन, बहुत गरीब लोग है इसी तरह से। देखिए बताया जाते खलवाई है, उनका घर भी सही से नहीं है, कल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग मिलजुल करके जो होगा अभी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, अभी प्रशासन आया था, नेता मंत्री भी कुछ आए थे, क्या का मतलब इनको आश्वासन दिए? विधायक जी आए हुए थे तो बोले कि घर नहीं है, किसी भी तरीका से घर दिलाने का हम प्रयास करेंगे, सरकार से मुआवजा की भी मांग करते हैं। कहीं ना कहीं आपके गाँव के लोग हैं और आप लोग पे उनका बहुत ज्यादा उम्मीद होगा कि अगर आप लोग उनको क्या मतलब हेल्प कर रहे हैं या अपने तरफ से या गांव के तरफ से आप लोग क्या सपोर्ट करना चाहते हैं उनके परिवार को? तो मान लीजिए विपदा का पहाड़ तो अभी टूटा है जी। तो जब अस्पताल में गए थे लोग तो हम लोग तो गए थे पैसा वैसा लेकर के इलाज कराने के लिए, लेकिन सरकारी इलाज हो रहा था तो उसमें पैसा तो लगा नहीं, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा पैसा लगा तो उनके सगा संबंधी जो साला है लगाए। अच्छा ये बात बता दीजिए कि हमारे बिहार में दारू पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन जहरीली शराब मिलना ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सरकार का जो पॉलिसी है यह बहुत अच्छा है, इसकी हम लोग कूट कूट कर सराहना करते हैं, लेकिन इसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि आज लोग मर गए तो शराब को खोल दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। शराब बंद है, बंद रहना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसी सरकार का है उस पर और सख्ती से पेश आना चाहिए, पीने वाले के खिलाफ, बेचने वाले के खिलाफ पुलिस प्रशासन को और चौकस करने की जरूरत है कि बिहार में एंट्री न कर पाए। पूर्वी चंपारण में लगातार जहरीली शराब से मौत होती जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? गलत तो है, बहुत गलत है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि हमारे बिहार में पूर्ण रूप से दारू बंद है, लेकिन ये शराब जो मिल रहा है इसका दोषी कौन है, प्रशासन या सरकार है? सरकार जो है वैसी पॉलिसी बनाई है इसके लिए, सरकार को तो मान लीजिए कि जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदारी तो अच्छे काम के लिए अगर सरकार को जाती है, उसका क्रेडिट जाता है, तो बुरे काम के लिए भी तो सरकार की ही जवाबदेही बनती है। लेकिन फिर भी हम इस पॉलिसी को बुरा नहीं करेंगे, हम इस पॉलिसी की सराहना करते हैं कि शराबबंदी है, होनी चाहिए, जहाँ कहीं से भी अभी भी चूक है उसको और सख्ती से लागू करके टाइट व्यवस्था करके इसको एंट्री ना हो बिहार की सीमा में, इसके लिए सरकार को कोई और विकल्प सोचना हो। लीजिए ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में पूरे पूर्ण रूप से, ये उनके पत्नी है वीरेंद्र शाह की, जो उनकी मौत हो गया है, और इनके ये गूंगा है, और पता ना ये बात हमको समझ वो सुन पा रही है नहीं सुन पा रही, नहीं सुन पा रही।
बताइए, कुछ भी नहीं सुन पा रही हैं। और बताइए, इस परिवार के साथ में इतना दुखद घटना, आज बताइए कि अपने परिवार को बेचारा छोड़ दिया, आज इनको खिलाने पिलाने वाला कौन होगा? आज दुख बच्चा है, उसको कौन देखने वाला है बताइए? हालांकि ऐसा नहीं है कि कमाने वाला भी लड़का है, आप लोग का देखे होंगे, देखिए यही बच्चा है। अब बताइए, कमाने वाला है, अपने परिवार को चलाएगा, माँ को खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा। बस आप लोग से जितने भी नेता मंत्री देख रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिवार के लिए आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन परिवार के लिए आप लोग एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग देखिए इनको आके परिवार को हेल्प कर सके। बाकी मेरा नाम अरविंद चौरसिया था, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।